आजकल इतना स्वैग बहुत है। आजा यहाँ आजा यहाँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं कॉफी वॉफी अभी बाहर से घुमा के लाया हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। टी शर्ट में निकल गया था मैं भी अंदर चलता हूँ, यहाँ ठंड हो रही है बाहर तो, और फिर फ्रेश वगैरह होता हूँ और फिर मैं आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना खाते हैं। आज खाने में है मक्की की रोटी, सरसों का साग और अचार, और साथ में सलाद और अपनी लस्सी। मज़ा आ जाएगा आज तो खाना खा के। तो गाइस, अब अपना खाना वगैरह हो चुका है और मैं खाना खाते खाते देख रहा था टीवी। और जैसे कि अब 9 बज रहे हैं तो मेरा नया व्लॉग भी आ चुका है। 8 बजे मेरा नया व्लॉग आ गया था। अगर आप सबने अभी तक नहीं देखा तो जाके मेरा व्लॉग देखो। और मैं करता हूँ अपना काम। जैसे कि आप सबको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, मेरा वीजा आ चुका है तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। क्लासेस होती हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, साथ में शॉपिंग करनी है क्योंकि वीजा आ चुका है। थोड़े टाइम है अभी, टिकट मैंने कराई नहीं है लेकिन जल्दी टिकट हो जानी है, तो ज्यादा टाइम है नहीं है। तो जल्दी से शॉपिंग भी करनी है, साथ साथ क्लासेस भी लगानी है और फिर एडिटिंग भी चलती है। पूरे दिन बिजी, कुछ और करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। गाइस, एक कॉकी तो लगा हुआ अपना बॉल से खेलने। कॉकी टेक इट, आया ये ले। इसकी चल रही है पूरी मस्ती। गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल, कोको बॉल ले लूं, ले लूं बॉल। हैं नहीं, गुस्सा दिखा रहा, कह रहा मेरी बॉल को नहीं छेड़ना। गाइस ये देखो, बाहर मौसम थोड़ा ठीक हो गया, हल्के हल्के बादल हैं, अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से और धूप भी निकल चुकी है हल्की हल्की। और अभी अभी मुझे पापा की कॉल आई कि कार की सर्विस भी करानी है, आज करा ले। तो फिर उसके बाद तो मैंने चले जाना है, तो उसके बाद तो फिर मैं तो नहीं करवा पाऊंगा और फिर पापा भी पूरे दिन बिजी होते हैं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि कार की सर्विस कराने चला जाता हूँ क्योंकि मेरी क्लास आज शाम को है, तो इतना कार की सर्विस करा के मैं वापस भी आ जाऊंगा। तो चलो फिर मैं चेंज वगैरह कर लेता हूँ और फिर चलते हैं कार की सर्विस कराने। तो गाइस, अब मैं तैयार हो चुका हूँ। कैसा लग रहा हूँ? ये जैकेट मैंने अभी लिखाया था कल ही, मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया होगा मेरी जो शॉपिंग करी है मैंने पूरी। मगर चलो देख लेते हैं पहन के कैसे लग रही है। अब यही पहन के चल रहा हूँ, फिर मैं अच्छे लगे मैं यही पहन के चलता हूँ सर्विस कराने के लिए। मगर देख लो सर्विस कराने के लिए पहन रहा हूँ। चल मैंने थोड़ी करनी है सर्विस जो गंदी होगी, चलते फिर। और ये देखो कोकी को देख रहा है मेरे को, कोकी चलोगे आप भी मेरे साथ? और गाइस, शूज़ भी मैंने आज मैचिंग पहने हैं। चलो, वैसे मैं इस टाइप के शूज़ ज़्यादा पहनता नहीं, ये देखो रेड शूज़ डाले मैंने रेड टी शर्ट के साथ। वैसे मैं रेड शूज़ ज़्यादा डालता नहीं, मगर चलो आज कर ही लेते हैं मैचिंग, मतलब ठीक ही लगेंगे। देखो कैसे लग रहे हैं। आज के लिए इतना स्वैग बहुत है, आजा आजा यहाँ आजा यहाँ। कहाँ जा रहा? यू आर गुड बॉय कोकी। तो गाइस चलो अब निकालते हैं गाड़ी, कवर मैंने उतार दिया और अब चलते हैं हम। गाइस ये देखो कितने अच्छे बादल का व्यू आ रहा है ना आज, ये देखो ये चेक करो, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है आज तो ऊपर का। अगर फोटो शूट हो जाए ना मज़ा आ जाएगा, पर कोई है नहीं अभी फोटो शूट करने के लिए मेरे साथ। तो गाइस चलो अब चलते हैं, सीट बेल्ट लगा लूँ तो चलो चलते हैं। तो गाइस चल रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, सेकंड सर्विस होगी आज मेरी गाड़ी की। गाड़ी को 5000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, अभी चल के वहाँ पे सर्विस सेंटर पे आप सबको सर्विस दिखाऊंगा, कैसे हुई, क्या क्या हुआ, कितनी कॉस्ट वगैरह पड़ी, सब कुछ बताऊंगा पीछे आपको एंड में। इस व्लॉग को पूरा देखना एंड तक और इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और मेरे पिछले ब्लॉग भी देखो जाके जिन्होंने नहीं देखे हैं। एक फर्स्ट सर्विस की भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी देखना और मेरे बाकी ब्लॉग भी चेक करो जाके। तो आपसे मिलता हूँ मैं अब सर्विस सेंटर पे पहुँच के। गाइस देखो कितनी हरियाली और कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज, आज का मौसम ठीक है। सुबह सुबह तो ठंड थी, इस टाइम ठंड नहीं है और अभी गर्मी भी नहीं है, ये बीच का मौसम है ना, थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। गर्मी हो जाएगी दोपहर को आज, पर अभी के लिए ठीक है।
गाइस बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं सर्विस सेंटर पे। तो गाइस ये रहा मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर। गाइस यहीं से हमने अपनी गाड़ी ली थी और अब यहीं पे हम सर्विस कराने आए हैं करनाल सर्विस सेंटर। गाइस मैं आके बैठा हुआ हूँ वेटिंग रूम में। अब इधर लंच ब्रेक चल रहा है तो मैं आते इधर बैठ गया। अब लंच ब्रेक और होएगा, उसके बाद सर्विस स्टार्ट होएगी। अभी तक सर्विस स्टार्ट नहीं हुई। तो गाइस अपने स्पेशल डिमांड पे एक्सप्रेस स्पीड की सर्विस स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत लेट बता रहे थे। ऐसे तो 5 बजे तक कह रहे थे करने की, अभी 1 बज रहा है। कह रहे बहुत सारा रश है आज, गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही सर्विस के लिए। अब एक्सप्रेस सर्विस स्टार्ट हो रही है, कह रहे जल्दी करके देंगे। तो गाइस अब फाइनली अपनी गाड़ी की सर्विस स्टार्ट हो गई है। ये लगा दिया गाड़ी इन्होंने यहाँ पे। तो गाइस अभी हो रहे हैं गाड़ी के सारे फीचर्स चेक, लाइट ब्रेक हॉर्न इंजन वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। इंजन ऑयल वगैरह भी चेंज करेंगे शायद, क्योंकि सेकंड सर्विस जाना था, इंजन ऑयल वगैरह भी चेंज आएगा। अभी तो ऊपर से चेक वगैरह कर लिया, थोड़ी देर में गाड़ी ऊपर उठाएंगे, फिर अच्छे से नीचे से भी चेक करेंगे, पूरी इंस्पेक्शन करेंगे, सारी चीज़ ठीक है। गाइस छत पर पहुंचाएंगे ये गाड़ी को, देखा जरा कितनी ऊपर ले गए, छत पर पहुंचाएंगे मेरे को लग रहा है। गाइस अभी नीचे से चेक हो रही है गाड़ी, सारे नट बोल्ट वगैरह चेक कर रहे हैं अच्छे से। तो गाइस अपनी गाड़ी की सर्विस हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी की सर्विस। तो गाइस गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्विस नहीं थी। अब ये गाड़ी का वहाँ ले जाकर टायरों की हवा वगैरह चेक करेंगे। ये गाइस ये देखो दिमाग चेक करो, वो देखो इतनी दूर से लेके आ रहे हैं इसको, और गाड़ी देखो कितनी दूर खड़ी है। अब देखो उसको वहाँ से यहाँ तक लेके आना था, अब गाड़ी को उधर लेके जाएंगे, फिर वहाँ से करेंगे। ऐसी दूर गाड़ी लगा के कौन करता चेक। तो गाइस चारों टायरों के प्रेशर वगैरह चेक कर लिया इन्होंने, अब गाड़ी जा रही है वॉशिंग। गाइस मैं भी खड़ा थक गया थी देर का। तो गाइस अब सर्विस हो चुकी है, अब टाइम है गाड़ी की वॉशिंग का। तो जैसे कि आज रश बहुत ज़्यादा है, तो देखो कितनी सारी वॉशिंग हो रही है कारों की आज, देखो कितनी सारी कारें वॉशिंग हो रही है। और अपनी ये रही, अपनी जब बारी आएगी। अब अपनी कार की वॉशिंग स्टार्ट हो चुकी है,
वो इधर सारी कारें लगी हुई थी, उन सबको खाली किया, कह रहे आप भी जल्दी से करवा देंगे। देखो कितने ज्यादा धूप निकल आई है, सूरज इतना कड़ा हो गया है, ये देखो पूरे मुंह में धूप पड़ रही है सीधी एकदम। सवेरे ठंड हो रही इतनी है, इस टाइम अभी इतनी गर्मी हो गई है, धूप पड़ रही है पूरे मुंह पे डायरेक्ट, और मैं गर्मी में खड़े होकर ब्लॉग बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो गाइस अपने गाड़ी की वॉशिंग होने वाली है थोड़ी देर तक, पर उसके बाद अपनी सर्विस हो जाएगी पूरी, फिर हम चलेंगे घर। तो गाइस अपनी गाड़ी अच्छे से वॉश हो चुकी है, अब ये गाड़ी इधर इन्होंने साइड में लगा दिया है, अब अच्छे से कपड़ा कूड़ा मार के सुखाएंगे गाड़ी को और पॉलिश वगैरह मारेंगे गाड़ी पे एकदम चमकाएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम चलेंगे। अभी ये वैक्यूम भी मारेंगे अंदर जो थोड़ी बहुत डस्ट होगी उसको उठाने के लिए। तो गाइस पूरे अच्छे से क्लीनिंग चल रही है अंदर से, टायर अब पॉलिश वगैरह चल रही है पूरे अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं। तो गाइस अपनी गाड़ी सर्विस होके और वॉश होके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन है पॉलिश। तो गाइस हो चुकी है अपनी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट, अब गाड़ी जा रही है बाहर, बाहर भी लगी हमें। तो गाइस जितनी देर से खड़ा हूँ मैं, सर्विस हो रही थी फिर वॉशिंग हो रही है, तब से खड़ा हूँ मैं, थक गया जितनी देर से, बाकी अपनी सर्विस जल्दी हो गई है, ये बोल रहे थे 5-4:30 बजे तक देंगे, पर 3 बजे ही मिल गई है मेरे को, क्योंकि जैसे 1:30 बजे तक तो ब्रेक था, लंच ब्रेक 1 बजे में आया था, तो 1:30 से 3 बजे तक मिल गई, मतलब 1.5 घंटे में जल्दी करवा दिया वैसे काम। तो गाइस अब टाइम है पेमेंट का, तो गाइस पेमेंट हो चुकी है, अब चलते हैं घर पे। कुछ खास ज़्यादा पेमेंट आई नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में तो बताऊंगा कि कैसी सर्विस हुई और क्या क्या सब हुआ और क्या पेमेंट थी। तो सर्विस हो गई थी, सारे ऑयल वगैरह चेंज किया इन्होंने, सारे टायर के पैसे वगैरह, सारे नट बोल्ट्स वगैरह चेक कर लिए और वॉशिंग कर दी अच्छे से, अंदर से भी क्लीन बाहर से भी क्लीन, और पेमेंट सिर्फ आई है 70 रुपये। ये सेकेंड सर्विस थी मेरे डिज़ायर की। तो गाइस सर्विस करवा के अब हम निकल चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले पापा के पास चलूँ सर्विस करा लिया, देखते हैं वहाँ क्या करेंगे, ये शायद फिर घर ही जाएंगे अब। तो गाइस इतनी देर से सर्विस करा रहा था, बहुत भूख लग रही है मेरे को, तो यहाँ पे रुका मैं टिक्की खाने के लिए, टिक्की खाता हूँ फिर चलता हूँ आगे। तो गाइस अब टिक्की आ चुकी है, खाते हैं इसको। तो गाइस अब टिक्की खा लिया, अब चल रहा हूँ पापा के पास, और पापा के पास जाके पापा कहूंगा पापा भूख लग रही है कुछ खिला दो, फिर पापा खिलाएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। गाइस ये रहा अपना झिलमिल ढाबा, दूसरा जिल मिल ढाबा।
चंडीगढ़ अंबाला कैथल किधर चलना है बताओ। गाइस देखो हम उचाना गांव में एंटर कर चुके हैं। ये है अपने गांव का व्यू। देखो इधर भी वैसे हरियाली तो है, गांव में तो होती है मतलब शहर। गाइस मैं पहुंच चुका हूं पापा के पास। ये पापा क्या ला रहे हैं खाने के लिए? पनीर। तो गाइस अपना पनीर आ चुका है, पापा लेके आए हैं ये मेरे। मैंने खाने के लिए कहा, कह रहे पनीर खा तो आराम से बैठ के। तो गाइस पापा से मिल लिए, पनीर खा लिया, अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस चलो चलते हैं अब घर। तो गाइस बस थोड़े ही दिन है और कार चलाने में, 4-5 दिन और चला लूँ मगर जाते जाते सर्विस करा जाता हूँ, उसके बाद जॉर्जिया में तो मिलेगी नहीं कार चलाने के लिए, बाकी किस्मत हुई तो मिल जाएगी। ये देखो सनसेट हो रहा है, मतलब फ्रेम में नहीं दिख रहा, साइड में हो रहा है, मेरे को वैसे दिख रहा था मैंने बताया। गाइस मैं सिर्फ बता रहा था आप सबको कि सनसेट हो रहा है, वीडियो में नहीं दिख रहा था, अगले बार जब वीडियो से दिखेगा तब मैं बता दूंगा कि हाँ वीडियो में दिख रहा है, आप वीडियो में भी देख रहा था। गाइस देखो अब सनसेट हो रहा है, अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्योंकि सूरज तो डूब चुका है, उसकी रिफ्लेक्शन ही आ रही है जो बादलों पे आ रही है ऊपर, देख लो। तो गाइस अभी 6 बज रहे हैं और मैं अभी रामनगर में हूँ, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ घर जाके तो लेट हो जाऊंगा क्योंकि घर जाके एडिटिंग करनी है, तो यही इस ब्लॉग को यही पेंट कर दूं। तो गाइस आज इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आज पापा चला के दिखा रहे हैं कार, गाइस ले गए पापा चला के।